इसको बोलते हैं जीरा, जो ये आया हुआ है। देखिए जीरे आ चुके हैं मक्के में। ये देखिए, कोई कोई तो बहुत ही ऊँची चली गई, कोई कोई तो मतलब 9-9 फुट ऊँची चली गई। और इसमें हमारे इस बार ना गुड़ाई नहीं हुई हुई थी, पहले ना मक्की में गुड़ाई भी नहीं हुई थी। ये देखो मच्छर, देखो यहाँ मारा मैंने, कितना सारा खून पी गया था ये मेरा। और इस बार ना मक्की में गुड़ाई भी नहीं हुई थी, तो लेकिन ये प्रूफ हो गया कि अगर खेत में मैल हो ना तो आप गुड़ाई ना भी करें तो भी चलता है। इसमें हमने गुड़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी इसमें मक्की जो है बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि इसमें ना गोबर जो है हमने डाला हुआ है, तो मैल की वजह से चीज़ अच्छी हो जाती है। इस बार इसमें निंदाई भी नहीं हुई, आप सोचिए कि मतलब गुड़ाई भी नहीं, निंदाई भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम में हमने बिजाई करी ना उस टाइम बारिश के बाद निम्बड़ पड़े हुए थे, और निम्बड़ मेरा मतलब बारिश नहीं हुई उस टाइम ना 10-12 दिन तक, तो ये मक्की जो है काफ़ी बड़ी हो गई थी। और उसके बाद जब बारिश हुई ना तो ये और बड़ी होगी, तो इसी मक्की का छावड़ा हो गया, फिर इसमें घास जो है काफ़ी लेट आया। अभी मक्की जो है काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है और घास देखिए अब आया है इसमें इतना, तो बस अब जब ये पकने की तैयारी होगी ना उस टाइम हम इसका घास काटेंगे, घास भी पक जाएगा, मक्की भी पक जाएगी, और बस दोनों एक साथ ही निकालेंगे फिर। अभी नहीं है इसको इतना ज़रूरत, क्योंकि इसमें घास जो है इस बारी कम है। पिछले साल भी इसी खेत में मक्की थी और वो ना बहुत घनी थी, तो इस साल मैंने अभी पहले ही ये बिल्ली बिल्ली कर ली, मतलब बिल्ला बिल्ला करना ज़रूरी होता है इसको, जैसे कि 1 फुट की दूरी 1-1.5 फुट की दूरी पे होना चाहिए कम से कम मक्की का डंडा एक से दूसरा। और इस बारी मैंने इसमें दाल नहीं लगाई, सिर्फ 2-3 पौधे जो हैं वो निकले हुए हैं इसमें, बाद में लगाए थे वो मैंने ना, फिर मैंने सोचा कि कहीं पिछली बार की तरह जैसे कीड़ा लगा था ना इसमें, तो इस बार भी कीड़ा लगे तो फिर सारी राजमा जो है मेरी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने राजमा थोड़े से अलग से लगाए हैं। आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है कीड़ा। ये भाई किसान भाई जो है ना वो किसी भी चीज़ से बचे नहीं हैं, अब तो मक्की में भी कीड़ा। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ कहाँ है कीड़ा, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीड़ा, ये देखो ऐसी ऐसी धूल निकल जाती है, ये मक्की जो है ना अंदर अंदर खोखली कर देता है पूरी। ये देखो पत्ते जो हैं इसके सारे खा दिए, तो आप सोचिए कि हम सब्जियों में करेंगे कीटनाशक की हम मक्की में करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ नहीं बची अब तो सारे जो। ये देखिए कैसे जाली जाली बना दी हुई है इसमें, और इस तरह से मक्की जो होती है ना ये भी ख़राब कर देता है ये कीड़ा सारी, मतलब इसमें फिर लगेगा नहीं कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पे लगना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे कीड़ा लग जाएगा ना तो ये ख़त्म हो जाएगा फिर। तो किस किस को बचाएं, फसल को बचाएं कि मक्की को बचाएं, लेकिन ये है कि मक्की का मतलब हो ही जाता है थोड़ा बहुत, बाकी पशुओं के लिए चारा भी हो जाता है इसका। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ। मैंने आज भी हुई है चने की दाल, और चने की दाल ही बनाऊँगी, सुबह बीन की सब्ज़ी बनाई थी, अभी चने की दाल बनाऊँगी, और अभी मुझे कौशेड का काम भी करना है, तो एक पुला और काटती हूँ यहाँ पे अभी, फिर दूसरी तरफ को जाऊँगी वहाँ पे काटूँगी कुछ। चलिए तो दिन में घास वगैरह काटने के बाद जब पहुंची घर, तो ये देखिए गांव में आते रहते हैं ना ये, मुझे लगता है हर जगह आते हैं ये, नंदी बैल घुमाते हैं जैसे सारे में ना, और मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो श्रद्धा के साथ मैं बोलती हूँ कुछ खिलवाड़ टाइप ही है, मतलब लोगों को बोल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं कि हाँ भाई नंदी बैल इस घर में खुशियाँ आएंगी नहीं आएंगी, पर सीढ़ी चढ़ तो ये बैल बिल्कुल पढ़ाया लिखाया हुआ बैल है इनका। तो कही जब भी मेरी मम्मा मुँह धो रही हैं, क्योंकि अभी हम गोबर फेंक के आए हैं और मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, और हमने बच्चियां बांध दी है। तो गाइज अब हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, अभी समझ आ गया। मम्मा इधर उठा वाले कमरे में जा रही हैं अंदर सोने के लिए। इसको रेंट देना, हाँ जी, पास में मेरी सोने वाली मशीन है ना, उसको ना इसके ऊपर उठा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो गाइज अब हम मिशन नंबर 2 से जा रहे हैं। गाइज मैंने आपको एक नई चीज़ दिखाई थी, मुझे आज दूसरी बार एक और मिल गई चीज़, 10 करोड़ साल पुराना फ़ोन, ये पिछले 10 सालों से चार्जिंग पे लगा है, जब मैं 4 साल का था तब से, लेकिन अब बेच रहा हूँ, अब जाके हुआ है चार्ज, और चार्ज कितना सा हुआ है भाई दिख जा। ये रही मशीन जिसे अब हम चोरी कर कर भागेंगे। अभी इस दिन के बच चुके हैं 2, और यहाँ पे मैंने ना सुबह घास जो है वो सूखने को डाला हुआ था,
क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रहती है, सुबह धूप होती है, शाम को बारिश आ जाती है, या फिर सुबह से ही कई बार बारिश लगी हुई होती है तो घास जो होता है ना वो गीला होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सूखने के लिए रखा था ताकि इसकी नमी जो है वो सूख जाए, पर आजकल का घास जो होता है ना वो बिल्कुल कच्चा होता है, पानी पानी सा होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा इसको सुखा लेती हूँ ताकि पशु जो हैं इसको खाएं। तो बिल्कुल ना आजकल गीला घास खा के इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता है काउशेड में अंदर की, आपको क्या ही बताएं सच में। आजकल तो मतलब अगर काउशेड में जाएंगे ना तो वहाँ के लिए अलग ही रखने होते हैं, जैसे सूट कुछ भी रख दिया ना तो वहाँ के लिए अलग ही, क्योंकि वहाँ से आते हैं तो फिर वो घर में पहनने लायक तो रहता ही नहीं, मतलब कीचड़ कीचड़ बहुत लग जाता है। हम साफ़ करते हैं दोनों टाइम, लेकिन फिर भी आजकल कच्चा घास की वजह से पतला गोबर होता है गाय का और उससे बहुत कीचड़ होता है। तो मेरी ऑडियंस जो है वो सारे ज़्यादातर मुझे लगता है गांव की ही है, तो उन्हें पता ही होगा गांव में लगभग सभी के ही पशु होते हैं रखे हुए। और अगर कच्चा ओबरा होता है ना उसमें इतना ज़्यादा नहीं भी लगता, जो ये पक्का फर्श वाला होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ लगता है। झिम झिम ये सावन ये बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों के फिर चल के आया है, इतनी सारी बारिश फिर से और मेरी गाय भी नहा गई बाहर, एकदम से बारिश आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सिया राम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हमारे आज देखिए फाइनली 4-5 दिनों के बाद ऐसी धुआंधार बारिश जो है वो आई है, छुटपुट छुटपुट बारिश जो है वो लगी रहती थी, लेकिन आज सुबह से ही भगवान ने इतनी बारिश दे दी, अभी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज ना मेरे घास नहीं है गाय के लिए, सिर्फ 4-5 कूड़े हैं, थोड़ा सा मैं अभी काट के लाई और ये देखो मैं सारी भीग गई, ये देखो बाजू मेरी भीगी हुई आपको दिख रही होंगी, ये देखिए। तो अभी थोड़ा सा लाई और अभी मुझे बच्चों को तैयार करना है, स्कूल को 8 बज चुके हैं, लेट हो गई आज और बच्चों के मन ही नहीं कर रहा इतनी बारिश में जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, धैर्य जो है उसका पेपर है तो उसको तो ज़रूरी है और ऐसे भी ज़रूरी है, तो जाना तो अपनी गाड़ी में ही है, लेकिन यहाँ से गाड़ी तक जाते जाते भी ना पूरे भीग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अभी बच्चों को तैयार करती हूँ और जितने में बच्चे तैयार होंगे उतनी देर में हो सकता है कि बारिश भी थोड़ी मध्यम हो जाए। वैसे आज ये पूरे दिन की बारिश लग रही है, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, विजिबल नहीं है, बाहर से पास को दिख ही कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल बारिश से बुरा हाल हुआ हुआ है। तो चलिए बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली जैसे ही बारिश बंद हुई 9 बजे मैंने नाश्ता वगैरह किया और सार्थक को फटाफट से घर में छोड़ा है थोड़ी देर के लिए और मैं आ गई घास काटने। तो अभी यहाँ पे घास जो है गीला है इसलिए इसको काट काट के मैं इस तरह से रख रही हुई, देखो खड़ा करके रख रही हूँ ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है मॉइस्चर है वो नीचे निकल जाए। वैसे इतनी जल्दी तो सूखता नहीं है लेकिन फिर भी पशुओं को खाने को तो डालना ही है, और था नहीं इसलिए सुबह की छून थी सिर्फ एक ना जो हम सुबह डालते हैं जैसे काउशिट का काम करके आएंगे। अभी जो पानी पिला के डालना है उसके लिए मुझे ले जाना है, तो अभी मेरे सिर्फ 5 पुले हुए हैं, अभी मुझे 6-7 और काटने हैं तो वो दिन का गुजारा हो जाएगा, और शाम के लिए और काटना है और रात के लिए और काटना है। तो चलिए फटाफट से घास काट लेती हूँ, 5 हो चुके हैं अभी और काटती हूँ। तो वैसे तो बारिश का औरों को कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता गांव में, लेकिन जो किसान है ना जिनके पास गौधन है गाय वगैरह हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि घास जो है गीला हो जाता है और बारिश में भी घास जो है वो काटना ही पड़ता है, हरा घास आजकल गाय के लिए। वैसे तो तूड़ी है हमारे, लेकिन फिर भी तूड़ी भी नहीं डाल सकते ना, हरा घास जो है वो भी ज़रूरी चाहिए होता है, तो ये मुश्किल आ जाती है बारिश होती है जब घास गीला होता है, गीली घास से पशुओं के बीमार होने का भी खतरा रहता है कि कहीं बीमार ना हो जाए,
और इसलिए थोड़ा इसको ना इस तरह से मैं खड़ा करके सुखा कर तब लेके जाऊंगी। वैसे एक आदमी के लिए मतलब जितना मैं उठाती हूँ ना मेरे लिए ये गड्ढा हो चुका है, क्योंकि आजकल 5-6 पुले से ज़्यादा उठा नहीं सकते। हरा घास होता है, ऊपर से गिल्ला है तो और ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो चलिए फिर से काट लेती हूँ घास। तो गांव में आजकल चारों ओर हरियाली हरियाली देखने में बहुत अच्छा लगता है, और हरा हरा चीज़ सुबह सुबह से देखने से ना हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। तो इसलिए सुबह सुबह से उठ के हरी हरी घास पे चले और हरी हरी चीज़ों को देखें तो बहुत बेनिफिशियबल होता है। और घास जो है यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काटा था, और ये क्या है कि जितने पशु है उस हिसाब से तो ना एक एक पुला आएगा उनको सबको, लेकिन फिर भी। और जैसे झुक झुक के घास काटते हैं ना तो सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे भी। जी हाँ, तो मैं इसके साथ इसके लिए ना मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, सर्वाइकल जो मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें ली है, कौन सी दवाई ली है जिससे मुझे आराम होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए गड्ढा मैंने बांध लिया है और अभी यहाँ से मुझे जाना है घर। ये जहाँ से मुझे जाना है वहाँ से रास्ता बिल्कुल नहीं है, घास ही घास है सारे में। वैसे तो यहाँ से रास्ता है लेकिन अभी वो काटा नहीं है। ये देखिए चारों ओर चरी की बिजाई करी हुई है, घास ही घास है, हरियाली। तो चलिए उठा लेती हूँ मैं गड्ढा।